प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज, डीडवाना। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम जीवाश्म की विधियाँ के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि पिछले व्याख्यान में मोड ऑफ फॉसिलाइजेशन या जीवाश्म की विधियों की हमने चर्चा प्रारंभ की थी और आपको अपरिवर्तित संपूर्ण अवशेष यानी अनअल्टर्ड रिमेन्स और फॉसिल इन टोटो तथा अपरिवर्तित अस्थि पंजर अनचेंज्ड स्कल्टन एवं परमिनलाइज्ड अस्थि पंजर या परमिनलाइज्ड स्केल्टन, सांचा और ढालित मोल्ड्स एंड कास्ट तथा अश्मि भवन यानी कि पेट्रिफिकेशन, इन 5 विधियों के बारे में आपको जानकारी दी थी। जीवाश्म की अन्य विधियों के बारे में इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम शेष बची जो अन्य विधियां हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कार्बोनाइजेशन या कार्बनीकरण पर चर्चा करेंगे। कई प्राणियों का बहिकंकाल यानी एक्सो स्केलेटन एक विशेष प्रकार के कड़े पदार्थ जिसे हम काइटिन कहते हैं का बना हुआ होता है। उदाहरण के तौर पर ग्रेप्टोलाइट्स, ग्रेप्टोलाइट के बहिकंकाल के काइटिन का प्राय कार्बनीकरण हो जाता है। पेड़ पौधों से कोयले का निर्माण होना भी कार्बनीकरण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। पेड़ पौधों के कार्बनिक पदार्थ का ताप और दबाव के कारण जैसे जैसे अपघटन होता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे वायुमंडल में लीन हो जाती है और कार्बन का अनुपात क्रमशः बढ़ता जाता है और अंततः वनस्पति शुद्ध कोयले में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार कार्बनीकरण के द्वारा भी जीवाश्म होता है। अगली जो विधि है उसे हम छाप का चिन्ह या इम्प्रेशन के नाम से यहाँ आपके साथ चर्चा करेंगे। प्राणियों के पदचिन्ह यानी फुटप्रिंट्स तथा पेड़ पौधों और पत्तियों और ऐसे प्राणियों की छापें जिनमें कवच या अस्थि पंजर नहीं होता है भी रॉक्स में परिरक्षित हो जाते हैं। ऐसी छापों को बहुधा महीन अवसादों वाली रॉक्स जैसे क्ले या सेल आदि में मिलने की संभावना अधिक होती है। यद्यपि ये छापे प्राणी की देह का कोई भाग नहीं होती यानी बॉडी का कोई पार्ट नहीं है, केवल इम्प्रेशन है, उसके बावजूद तथापि ये प्राणी का किसी न किसी रूप में परिचय देती है, इसलिए इन्हें भी जीवाश्म माना जाता है। उदाहरण के तौर पर गोंडवाना शैलों में प्राप्त पौधों और उनके तनों की छाप को भी हम जीवाश्म के रूप में अध्ययन करते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण विधि है उसे हम बिल, वेदन और नलिकाएं, अंग्रेजी में जिसे हम बोलते हैं बरोज, बोरिंग्स एंड ट्यूब्स, इन विधियों द्वारा जीवाश्म कैसे होता है इस पे हम चर्चा करेंगे। कुछ प्राणी ठोस शिलाओं में यानी हार्ड रॉक्स में बिल या अथवा वेदन बनाकर रहते हैं। कुछ अन्य अपनी देह के आसपास काइटिन अथवा चूनेदार पदार्थ कैलकेरियस मटेरियल का आच्छाद या नलिका बनाकर रहते हैं। इन बिलों, वेदन अथवा नलिकाओं के अवशेषों की वर्तमान प्राणियों के बिलों आदि से तुलना कर पुरातन काल के प्राणियों की प्रकृति और निवास के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए जैसा कि पहले हमने देखा, छापों को भी हमने इंप्रेशंस को भी फॉसिल्स के रूप में स्वीकार किया था, यहाँ ऐसे प्राणियों या जंतुओं के बिल, वेदन और नलिकाओं को भी हम जीवाश्म के रूप में शामिल करते हैं क्योंकि इनके द्वारा उस समय के हैबिटेट के बारे में हमको जानकारी मिलती है। अगली जो विधि है उसे हम पदचिन्ह लीक, अंग्रेजी में जिसे हम ट्रेल या ट्रैक्स बोलते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। नरम पंख यानी सॉफ्ट मड तथा महीन रेत पर विभिन्न कीट,
या अन्य प्राणियों के रेंगने से या चलन के फलस्वरूप उनके पद या देह के किसी भाग के चिन्ह बन जाते हैं जो कालांतर में यदा कदा परिरक्षित हो जाते हैं। ये किसी प्राणी के अवशेष नहीं होते तथा भी इनसे प्राणी की प्रकृति तथा उनके चलन अंगों के विषय में जानकारी मिलती है, अतः इन्हें भी जीवाश्म के रूप में शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने जैसे पहले बताया इम्प्रेशन, बरोज, बोरिंग्स एंड ट्यूब्स, और इसके साथ ही यदि किसी कीट या प्राणी के पदचिन्ह ट्रेल ट्रैक्स इत्यादि को भी अगर हम पुरानी हजारों साल पहले किसी हैबिटेट का अगर हमको उससे या उसकी प्रकृति का हमको उससे ज्ञान होता है तो उन्हें भी हम जीवाश्म के रूप में शामिल करते हैं। जर्मनी में राइन नदी के किनारे पर सैंडस्टोन में किसी कीट तथा छिपकली समूह के पद चिन्ह मिले हैं जिसमें जीवाश्मीय वैज्ञानिकों ने पैलेंटोलॉजिस्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि छिपकली ने पीछा करते हुए कीट का अंततः शिकार किया। तो इस प्रकार के इम्प्रेशंस या ट्रैक और ट्रेल भी जीवाश्मों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। उत्तर भारत के हिमालय क्षेत्र के कैम्ब्रियन पूर्व शैलों में प्री कैम्ब्रियन रॉक्स में कुछ ऐसे चिन्ह मिले हैं जिन्हें ट्राइलोबाइट के उपांग चिन्ह माना गया है। तो ये भी एक प्रकार से जीवाश्मों की श्रेणी में ट्रैक और ट्रेल्स को शामिल किया गया है। अगला जो जीवाश्मन का एक और उदाहरण के रूप में जिनको हम शामिल कर रहे हैं उन्हें कॉप्रोलाइट या अपशिष्ट कॉप्रोलाइट एंड कास्टिंग्स कहते हैं। प्राणियों की मुख्य आंतों से होकर बाहर निकला अपशिष्ट पदार्थ कभी कभी परिरक्षित हो जाता है हजारों साल पुराना, और इन पदार्थों को कॉप्रोलाइट कहते हैं जो कि अपशिष्ट होता है। ये भी उस कालखंड के प्राणियों की सूचना हमें प्रदान करता है, अतः इस कॉप्रोलाइट और कास्टिंग्स को भी हम जीवाश्म की श्रेणी में यहाँ शामिल करते हैं। इस प्रकार हमने वीडियो व्याख्यान के दो एपिसोड में आपको जीवाश्मन की विधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विद्यार्थियों, पूरे देश में वैक्सीनेशन का पहला दौर प्रारंभ हो चुका है, लेकिन अभी भी दवाई नहीं है, इसलिए किसी प्रकार की ढिलाई नहीं। 2 गज की दूरी अभी भी है बहुत ज़रूरी। मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें और घर बैठे अपने अध्ययन को अनवरत जारी रखें। राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना के यूट्यूब चैनल पर विभिन्न विषयों के भिन्न भिन्न टॉपिक्स पर जो भी वीडियो व्याख्यान आपके लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं उन्हें बार बार देखें, सुने, समझें, पढ़ें और अपने अध्ययन को जारी रखें।